केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पे और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे राजनीति की सियासी गलियारों की ओर, जहां पे आज क्या पक रहा है आप सबको बताएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी समेत कई दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी दलों ने अलग अलग राज्यों में प्रत्याशियों का चयन और चुनावी मुद्दों पर बातचीत और बैठकें हो रही हैं। जयपुर में केंद्र नेतृत्व के निर्देशन पर राजस्थान बीजेपी की भी मीटिंग हुई, लेकिन इसमें पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के मौजूद नहीं रहने की चर्चा विषय बना हुआ है। इस मीटिंग में मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, छत्तीसगढ़ प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा शामिल थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नहीं पहुंची। इससे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। विधानसभा चुनाव में भी बहुत महत्व नहीं देने का आरोप है। मीडिया सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा राजे नाराज हैं, उनकी नाराजगी की वजह उनको सीएम नहीं बनाया जाना है। विधानसभा चुनाव में पार्टी में उनको बहुत महत्व भी नहीं दिया गया, हालांकि पार्टी की ओर से बहू की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह बताई गई। वसुंधरा राजे के सियासी गतिविधियों से दूर रहने की ये पहली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले ही राजधानी जयपुर में हुए IGDG कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। कार्यक्रम के बाद उन्होंने राज्य में पार्टी के नए विधायकों और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस बैठक में भी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची थी। पीएम की जयपुर में ये पहली बैठक थी, इसमें राज्य के सभी मंत्री भी मौजूद रहे। वसुंधरा राजे को आमंत्रित किए जाने के बाद भी मीटिंग से दूर रहने पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उनकी गैर मौजूदगी से बीजेपी में गुटबाजी और अंदरूनी कलह भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।